गीता कॉलोनी में दोस्त ने ली दोस्त की जान, कहा सुनी में चाकू से गोद कर की हत्या, पुलिस ने कुछ घंटों में सुलझाया मामला। मयूर विहार फेज 3 में हल्दीराम के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 25 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, गोदाम में रखा माल जलकर हुआ खाक। गीता कॉलोनी में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, बदमाश ने पुलिस पर चलाई कई राउंड फायरिंग, बदमाश जसप्रीत को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोचा। झमाझम बारिश के बाद दिल्ली में मौसम हुआ सुहावना, कई जगह बारिश के हुआ जल भराव, लोगों को आने जाने में हुई दिक्कतें। और कांतिनगर में निगम द्वारा नालों में डलवाई गई दवाई, मच्छर जनित बीमारियों को रोकने के लिए प्रयास लगातार जारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CCN में, मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली में कोरोना का केस लगातार कम होते जा रहे हैं। पहले जहां कोरोना के केस दिल्ली में 4000 के आसपास आया करते थे, अब वो मात्र 1000 से कम, मतलब 800-900 के करीब आ रहे हैं। ये दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर ऐसा ही आगे चलता रहा तो कोरोना से दिल्ली जल्दी मुक्त होगी और हम सभी की जिंदगी साधारण तरीके से पटरी पर लौट आएगी। हमने कोरोना के कम हो रहे केस को लेकर पूर्वी दिल्ली के डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि सभी लोगों के साथ के बिना ये संभव नहीं था। जनता ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, मास्क का इस्तेमाल किया, तब ये दिन दिल्ली वालों के सामने आए हैं और प्रशासन ने भी काफ़ी मेहनत की, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, कम हुआ है। हम सभी लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए। क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स, आइए आपको सुनाते हैं। NCDC ने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के गाइडलाइन के अनुसार, ICMR के गाइडलाइन के अनुसार दिल्ली में सीरो सर्विलेंस किया है। 27 जून से लेकर 10 जुलाई तक करीब 21,000 लोगों में सीरो उनका टेस्ट किया गया, जिसमें IgG एंटीबॉडी टेस्ट की गई है। ये उसमें पाया गया है कि 23.48% में IgG एंटीबॉडी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हर 4 में से एक मरीज कोरोना से पीड़ित है। दूसरा ये भी पाया गया कि इनमें ज़्यादातर मरीज में कम सिम्टम थे या माइल्ड डिजीज थी। इस सब का मतलब ये है कि दिल्ली में 6 महीने के कोरोना काल के बाद भी अभी सिर्फ 23.48% में कोरोना की एंटीबॉडी पाई गई। इसका मतलब है कि 75% से ज़्यादा जनता में अभी कोरोना और होने की संभावना है। लेकिन चूंकि दिल्ली में केसेस कम हो रहे हैं, इसका भी ये भी मतलब लगाया जा सकता है कि दिल्ली में जो लोकलाइज इफेक्टिव कंटेनमेंट हुआ है, जो लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म का पालन किया है, जो लोगों ने मास्क यूज़ किए हैं या लोगों ने हैंड हाइजीन का यूज़ किया है, उसके कारण, पब्लिक पार्टिसिपेशन के कारण एंड गवर्नमेंट कंट्रोल के कारण दिल्ली में केसेस कम हो रहे हैं। और इसके साथ सीरो सर्विलेंस ने यह भी सिद्ध कर दिया कि अभी दिल्ली में केसेस फिर से बढ़ सकते हैं अगर सरकार को कंटेनमेंट पॉलिसी को रिलैक्स नहीं कर सकते। सरकार को कंटेनमेंट पॉलिसी को और रिगरस रूप से लागू करना होगा। और दूसरा, लोगों को भी ये समझना होगा कि दिल्ली में केसेस कम होने का मतलब ये नहीं है कि दिल्ली से कोरोना खत्म हो गया है या हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने का मतलब है कि 60% करीब लोगों में कोरोना पॉजिटिव एंटीबॉडी या IgG एंटीबॉडी मिले। ये संभव हुआ है क्योंकि दिल्ली में अब जो है वो टेस्टिंग ज़्यादा फ्रीली अवेलेबल हो गई है, ज़्यादा टेस्टिंग हो पा रही है और लोग जो हैं वो इसके बारे में और जागरूक हो गए हैं। उनको पता है कि अपनी केयर कैसे करनी है। अब आप बाहर जाएं तो आप देखते हैं कि लोग मास्क पहन के चल रहे हैं और केयरफुल भी रह रहे हैं, थोड़ा सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन हो रहा है। जो लोग बुजुर्ग हैं वो घर के अंदर ही रह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं हमारे को इस बीमारी से लड़ने के लिए, और अभी भी बहुत लंबा सफ़र बाकी है, मगर इसी तरह से जो है हम अगर मैनेज करते रहे तो आगे आने वाले टाइम में जो है वो सफलता दूर नहीं है हमसे। जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि बहुत ज़्यादा उत्साहित ना हुआ जाए इस चीज़ से कि एकदम से संख्या जो 1000 के नीचे आई है, क्योंकि ऐसे मरीज़ जो इन टेस्टों में नहीं पकड़े गए हैं या जिन लोगों ने अपनी जांच बाय द वे नहीं कराई है बीमारी को हल्के में लेके, या जिन्हें एक दिन या दो दिन का बुखार आया उन्होंने जांच नहीं कराई,
वो लोग जब तक समाज के अंदर इस प्रकार से रहेंगे और संक्रमण फैलाते रहेंगे तो दोबारा में भी चांस है कि ये दोबारा से बढ़ जाए। तो डिपेंड करता है कि व्यक्ति के पास में आइसोलेट होने की फैसिलिटी कितनी है और कितनी नहीं है और बीमारी की सीवियरिटी क्या है। स्वाभाविक रूप से जो लोग अपने घरों में रुक सकते थे और जिन लोगों के पास में उस प्रकार की सुविधा थी वो घर में रुक के जो उनको वातावरण मिला, खाना पीना मिला, उससे उनकी रिकवरी में एक फ़ायदा मिला है उससे। तो ये होम आइसोलेशन वाली स्ट्रेटजी माइल्ड केसेस में अच्छी है और हर जगह ये फॉलो होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हमें करानी है और जो हमारे गंभीर मरीज हैं उन्हें प्लाज्मा थेरेपी प्रोवाइड करानी है। और जो सबसे सराहनीय कदम रहा होम आइसोलेशन का, आप ये देखिए कि जो कोरोना एक वैश्विक महामारी है इसका 70-80% मरीज हमारा घर पर रहते हुए भी स्वस्थ हो सकता है। एक ये भी एक तरीके की वायरल डिसीज है और आम वायरल डिसीज की तरह ही खांसी बुखार का इलाज हम घर रहते हुए कर सकते हैं। तो ये जो कदम दिल्ली सरकार द्वारा उठाया गया ये बड़ा ही सराहनीय कदम है और जिसकी वजह से ही आज जो जुलाई मंथ का हमारा सेंसस आ रहा है पर डे का वो 1000 से कम हो पाया है। देखिए होम आइसोलेशन में मरीज इस समय हमारे यहाँ ज़्यादा ठीक हो रहा है क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कोरोना एक वायरल डिसीज है और 70-80% मरीज हमारा घर में रहते हुए भी स्वस्थ रह सकता है। और जो दिल्ली सरकार द्वारा जो कदम उठाया गया है कि पल्स ऑक्सीमीटर हमें घर पे ही प्रोवाइड करा दिया गया है और अगर किसी भी मरीज को घर पे रहते हुए कोई समस्या है तो वो निकटतम अधिकारी को फ़ोन नंबर प्रोवाइड किया गया है जिस पे संपर्क कर सकते हैं और अगर सैचुरेशन उन्हें बता दिया जाता है कि 95% से ऊपर सैचुरेशन आपका रहना है और उनको बता कैसे नापना है पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन ये भी बताया जाता है। आपको बता दें 15 जून से पहले दिल्ली में रिकवरी रेट 38.35% था जो कि मोदी सरकार द्वारा दिल्ली की कमान संभालने के बाद अब ये 83.99% हो गया है। गृहमंत्री अमित शाह द्वारा दिल्ली का मोर्चा संभालने के बाद स्थिति बेहतर हुई वरना आपने तो जुलाई के अंत तक 5.5 लाख केस कराने की तैयारी कर रखी थी। पूर्व दिल्ली में आज झमाझम बारिश हुई। बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मानसरोवर फ्लाईओवर के नीचे पानी भर गया, लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। पानी 3 फुट तक भर गया जिससे लोगों को परेशानी हो रही थी और वाहन भी निकालने में वो लोग परेशान हो गए। बहुत से लोगों के वाहन जाम भी हो गए। दो दिन से स्कूटी और बाइक वाले भी गिर चुके हैं यहाँ पर। हाँ भाई बारिश में भर जाता है सर। यहाँ का तो इतना बुरा हाल है 10 मिनट भी बारिश हो जाए तो ये हालात हो जाते थे। अब गाड़ियाँ बंद हो गई, 100-200 रुपये लग जाएंगे इसमें। पंप वंप लगे हुए हैं, कुछ फायदा तो है नहीं उसका, बंद ही रहता है वो भाई। यहाँ तो 12 मासी का हाल है ये तो, कोई आज का थोड़ी नया थोड़ी ना। मैं तो यही काम करता हूँ फ्रेंड्स कॉलोनी में ही, मेरा तो यही काम माल ले जाना लाना। हर बार जहाँ भी जाता हूँ एक ये हो गया, एक लोहे के पुल के नीचे जो अंडर पास है उसमें भी हाल बुरा होता है क्योंकि लाजपतरा मार्केट में माल ले जाता हूँ, यही हाल होता है यहाँ पे 12 मासी भाई। तो सरकार तो वाकई में इस बात का तो मैं गारंटी से कहता हूँ, सरकार जो वादे करती है ना काम नहीं करके दिखाती, चाहे किसी की भी सरकार आ जाए। वहीं बारिश के बाद मौसम सुहावना होने की वजह से लोगों ने कहा कि बारिश के बाद गर्मी से हम लोगों को राहत मिली है। पिछले कई दिनों से लोगों को उमस से परेशानी हो रही थी, बारिश के बाद लोगों को आराम मिला है। दिक्कतें क्यों नहीं उठानी पड़ती है, एक तो आपको पता ही है कोरोना का इतना प्रॉब्लम चल रही है, ऊपर से आदमी आज के डेट में कहीं भी खड़े होने में हिचकता है और फिर लगातार वही रनिंग रहती है। जैसे हम मार्केटिंग वाले लोग हैं और हम लोगों के लिए तो रात दिन प्रॉब्लम है क्योंकि आज के डेट में पानी पीने में भी कहीं डर लगता है कि अभी पानी पिए या नहीं पिए, रास्ते में चलते हुए किसी बोतल लें या नहीं लें, जो घर से पैक करके ले गए तो वो हो गए वहीं दिक्कत। तो कहीं ना कहीं बारिश पड़ रही है तो इससे थोड़ा लोगों को राहत मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है रात? रात मिल रही है ना, प्यास की रात मिल रही है, सबसे बड़ी बात तो ये है गर्मी से रात मिल रही है। अब हम लोग रोड पे घूमने वाले हम लोगों को तो हमेशा ही रात मिल रही है। हाँ बिल्कुल, ये तो हमारे मुख्यमंत्री की कमी है जी सारी, ये तो मुख्यमंत्री को देखना चाहिए। मुख्यमंत्री हमारे MCD पे आरोप लगा रहे हैं, MCD वाला मुख्यमंत्री पे आरोप लगा रहा। देखो अगर पानी ना भरे तो अच्छी बात है, हम तो यही चाहेंगे कि उमस से ही रात मिल जाए, इधर उधर बारिश हो जाए, दिल्ली में ना ही पड़े। ऑटो ड्राइवर एक अभी 2 दिन पहले डूब के मर गया। हाँ नहीं देखो फायदा तो मिलेगा खैर, और अच्छी बात है मौसम भी है, बारिश भी होगी, होनी भी चाहिए, ये तो प्रकृति है भैया। नहीं पड़ती नहीं रहनी चाहिए, थोड़ा सा कम हो जानी चाहिए। क्या नाम है, ये तो बारिश से नहीं तो फिर पूरी जमुना पार ये तो डूब जाएगी ना। ये MCD और या विधानसभा तो सारे कहते रहते हैं, करते कुछ नहीं है, बस गवर्नमेंट कहती है। सभी देख लेना 1 घंटा बारिश पड़ने के बाद सारी बसें सब डूब जाएंगी। शाहदरा पुलिस के हत्थे बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पूर्व दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच रात 1 बजे मुठभेड़ हुई। बदमाश ने पुलिस पर कई राउंड गोलियां चलाईं
जिसमें जवाबी कार्रवाई में घायल हुए बदमाश जसप्रीत बिन्नी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद धर दबोच लिया है। पुलिस ने बिन्नी के पास से पिस्टल भी बरामद कर ली है। आपको बता दें, बदमाश बिन्नी 15 जून को ही मेहरोली की घटना में भी शामिल था। पूर्व दिल्ली के कृष्णा नगर में कुछ दोस्तों ने मिलकर मामूली कहासुनी में ही चाकू मारकर दोस्त की हत्या कर दी। आपको बता दें, जितेंद्र चार दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर चारों दोस्त हेमंत, नितिन, गौरव और उसके एक साथी के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद चारों से धमकी देकर चले गए। उसके कुछ देर बाद चारों वापस आए और जितेंद्र की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली कि एक शख्स खून से लथपथ पड़ा है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को स्वामी दयानंद अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वो उनके दोस्त थे और ये परसों रात रविवार की घटना है। वो रोज़ की तरह ही अपने काम पे जाते थे और जब परसों वो घर आ रहे थे तो उन्हें किसी ने चक्कू मार के उन्हें घायल कर दिया और मैंने फिर पुलिस वालों को फ़ोन किया और एम्बुलेंस में फ़ोन करके उन्हें हॉस्पिटल लेके गई, पर तब तक वो मर चुके थे। फिर मैंने उनके घर वालों को फ़ोन करके और फिर उन्हें बुलाया और अब उनका जो काम है उनके परिवार वाले और हम मिलके कर रहे हैं। वो फ्रूट की रेड़ी लगाते थे, उनकी 27 साल उम्र थी। वो आपस में वैसे ही मंडी में वो भी रहते थे और ये मंडी में फ्रूट की रेड़ी लगाते थे, इसीलिए वो आपस में दोस्त, 3-4 टोटल दोस्त थे उनके। मुझे उन्होंने शनिवार की रात को कहा था कि मेरी जरा सी आपस में लड़ाई हो गई है, पर मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से मेरे पति को इंसाफ मिलना चाहिए और ये कहूँगी कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो इस दुनिया में सरकार का, कानून का कोई नियम लागू नहीं होगा। शनिवार की रात, इतवार की रात को इसका फ़ोन आया है खुशी का, जितेंद्र की वाइफ का, तो इसने बताया है कि जितेंद्र को उन तीन लड़कों ने, मतलब जितेंद्र ने मरते मरते इसको बताया कि उन तीन लड़कों ने मुझे चक्कू मार दिए हैं। फिर इसके पापा और इसकी मामी हॉस्पिटल गए और वहाँ जाके देखा तो लड़का मरा हुआ था। पूर्व दिल्ली के मयूर विहार इलाके में तड़के 4:50 पर फायर ब्रिगेड को कॉल आई कि हल्दीराम के गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की 25 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। गोदाम में रखा माल जलकर खाक हो गया था। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। काफ़ी नुकसान तो हुआ है, अगर किसी वजह से ये आग लगी है अभी तक इस बात के बारे में क्लैरिटी नहीं हो पाई है। शुरुआती जांच में ही पता है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। जाँच के बाद ही आगे पता पड़ पाएगा कि आग किस वजह से लगी थी। न्यू लक्ष्मी मार्केट में 56 मकान को तोड़ने हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, उसके बाद भी लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। हर पार्टी के लोग आकर देखकर चले जाते हैं पर समस्या का समाधान कोई नहीं करता। तीनों पार्टियां अब इस पर अपनी अपनी बात कहती हुई नजर आ रही हैं। क्या कह रही हैं, आप भी सुनिए। जो भी आदमी ने, जिसने भी झुग्गी तोड़ने का काम किया है, मैं उनके कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ये ऐसे वक्त में झुग्गियों को तोड़ना, झुग्गियाँ नहीं थी ये, पक्के मकान थे। जब ये मकान बने, ठीक है, ये अनऑथराइज उसमें आ रहे थे, नाले पे उन्होंने बना रखा था, लेकिन 50 साल से ये लोग बैठे हुए थे। 50 साल से क्यों नहीं किसी ने तोड़ा? जब उन्होंने पक्के अपने मकान बना लिए, जब जेई और एई यहाँ से रिश्वत ले के गए, पुलिस ने रिश्वत यहाँ से ली, तो तब क्यों नहीं इन मकानों को तोड़ा गया? तब क्यों नहीं उनकी तरफ ध्यान दिया गया? कोई भी आदमी इनकी देख रेख नहीं कर रहा, कोई सेवा वाला काम मामला नहीं कर रहा। हर आदमी आके राजनीति कर रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आए, अनिल चौधरी जी हमारे अध्यक्ष दिल्ली के यहाँ पर आए, इसलिए ये लोग जो है यहाँ पर आनंद को मजबूरी माना पड़ा कि भाई ये कांग्रेस के लोग यहाँ चले गए, दिक्कत होगी। हम कोर्ट जा रहे हैं, हम कोर्ट जाके इनकी लड़ाई लड़ेंगे, जो सेवा हम कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग कांग्रेस के बसाए हुए लोग हैं। कांग्रेस ने ही इनकी देख रेख हमेशा करी है। झुग्गियों को दुनिया जानती है, अगर झुग्गियों को किसी ने बचाने का काम किया, अगर झुग्गियों को यहाँ पर मकान देने की बात की थी तो कांग्रेस ने की थी। ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव काम है और ये PWD और EDMC ने मिलकर किया, ये ज्वाइंट एक्शन है और ये कोर्ट के निर्देश के ऊपर है। जो काम कोर्ट के निर्देश के ऊपर किया जाता है उसमें कोई राजनीति नहीं की जा सकती। ये बात ठीक है कि बारिश के दिनों में और कोविड के दिनों में ऐसी कार्रवाइयों को टाला जाना चाहिए, लेकिन इनकी अपरिहार्यता कई बार बनती है, जो कि लीगल नोटिस के कारण बनती है। ये इस कारण शायद हुआ है, इसके अंदर कोई राजनीति नहीं है, ना इसको राजनीतिक भावना से देखा जाना चाहिए। इसके ऊपर हमारी जो दो लोग साथी बैठे हुए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दीपक सिंगला जी और कुलदीप भाई वहाँ पे गए भी थे, हमारे मंत्री जी ने उस पर भी विजिट की है, परसों उनकी विजिट हुई थी। हमने सारे जितने भी कंसर्निंग अथॉरिटीज़ हैं
उनको भी लेटर लिखा है। आज हमने वहाँ पे ड्यूसुप के सारे जो इंस्ट्रूमेंट वो भी लगवाने का काम शुरू किया है, लेकिन वहाँ पे पुलिस उसको लगने नहीं दे रही है। तो उसके ऊपर हम लोग लगे हुए हैं, सीएम साहब पर्सनली इस मुद्दे को देख रहे हैं और जल्द ही जल्द इसके ऊपर जो उनका रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे हम। पूर्व दिल्ली के कांतिनगर में मच्छर जनित बीमारियों के बचाव के लिए एमसीडी हमेशा काम करती रहती है। इसी को देखते हुए कांतिनगर के फ्लड के नालों में दवाई डाली गई, जिसमें बरसातों में मच्छर ना पनपे और बीमारियों से लोगों को राहत मिले। वैसे भी दिल्ली में कोरोना को लेकर हालात खराब हैं। कांतिनगर की पार्षद ने कहा कि दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी के जी बड़े नाले हैं, वो दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं, उनकी ठीक से सफाई नहीं होती है, जिससे परेशानी जलभराव की देखी जाती है। नगर निगम का हर कर्मचारी अपनी पूरी ईमानदारी के साथ काम करता है। पुनः कांतिनगर वार्ड में फ्लड के नाले में दवाई डालने का काम किया गया, जहां एक और पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, वहां पे सिर्फ 50% नालों की सफाई की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा, तो वहीं दूसरी ओर एमसीडी का प्रत्येक कर्मचारी दिन रात जनता की सेवा में तत्पर है। वो चाहे कोरोना काल क्यों ना हो, लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत की और आज भी वो जनता की सेवा के लिए तत्पर हैं। हमने आज लोगों को जलजनित बीमारियों से बचाने के लिए फ्लड के बड़े नाले में दवाई का छिड़काव कराया, जिससे कि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। घटिया माल बेचने वालों और भ्रामक विज्ञापन देने वालों की अब खैर नहीं। उपभोक्ता कानून में बदलाव की वजह से ऐसे लोगों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है या भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। जुर्माना राशि 1,00,000 रुपए होगी। केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कई बदलाव किए हैं। नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सोमवार से लागू हो गया है। इसमें लोगों का कहना है कि इस आदेश से बहुत फायदा होगा। ग्राहक को कोई भी डुप्लीकेट माल या घटिया माल या ऑनलाइन के नाम पर बेचा खराब माल से नुकसान होने से बच सकेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जागरूकता की बहुत कमी है, इसमें जागो ग्राहक जागो के नाम से जो कैंपेन सरकार के द्वारा चलाया गया वो इतना सुदृढ़ तरीके से नहीं चला पाते हैं, जिससे कि लोगों के घर घर में जाकर लोगों को पता लगे। वो लोगों को ये अवेयर ही नहीं है लोग कि अपनी चीज़ को खरीदते हुए जो पैसा पे करते हैं उनका सही ढंग से उपयोग हुआ है या नहीं, वो हमेशा अनजान बने रहते हैं। और ज़्यादातर जो दुकानदार हैं वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं और एक्सपायरी डेट को चेंज करके दोबारा एक्सपायरी डेट डालकर नकली सामान उसको ख़राब सामान को दोबारा बेचते रहे। अगर कोई कंप्लेन करता भी है तो मिसबिहेव करते हैं और कहते हैं कि जाओ जो करना है कर लो, हम इसको चेंज नहीं करें। इससे ग्राहकों को फायदा होगा आपको? कानून आने के बाद 100% ग्राहकों को ही फायदा होने वाला है, क्योंकि ग्राहक अगर जागेंगे और कंप्लेन करेंगे उनके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार लेने में सक्षम होगी। जो कानून आया है गवर्नमेंट के, कानून तो बना देती है लेकिन हम व्यापारियों के लिए कोई फायदा नहीं है। और कानून से हमारा पूरा गांधीनगर मार्केट जो है, जहाँ ये सारे मैन्युफैक्चर मार्केट है, खुद अपनी प्रोडक्शन होती है, यहाँ पर कोई गलत माल तो बनता ही नहीं है। जो ग्राहक गलत लॉबी के ग्राहक हैं उसका मिसयूज कर सकते हैं। कई ग्राहक ऐसे होते हैं जिनकी धारणाएँ गलत होती हैं कि आरोप और प्रत्यारोप लगाना, उन ग्राहकों के लिए ये कानून ज़्यादा फायदेमंद होगा, ना कि कोई हम व्यापारियों के लिए। जो व्यापारी व्यापारिक नीति से काम करना चाहता है उसके लिए कोई भी कानून हो, कोई गलत कानून नहीं होता है। हम कानून के तहत ही काम करते हैं, ना कि कोई हमारे लिए कानून गलत है। तो मैं ये समझता हूँ कि पब्लिक के लिए तो ये बहुत अच्छा है। जो ऑनलाइन ठगी चल रही है आजकल, कुछ भी कोई भी पिक भेज के और कंपनियों के नाम उस पर डाल के, और इस तरीके से जो हमारे जो कस्टमर है ठगे जाते हैं। सिर्फ उसकी क्वालिटी को नहीं देखते, वो सिर्फ उसकी ब्यूटी को देखते हैं, प्रोडक्ट को ये देखते हैं कि कंपनी का प्रोडक्ट है। तो मैं समझता हूँ कि ये कानून पब्लिक के हित में बहुत अच्छा रहेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC ने इस साल ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर नवम्बर में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप को स्थगित कर दिया है। कोरोना वायरस की वजह से ये विश्व कप स्तरीय टूर्नामेंट रद्द किया गया है। ICC T20 वर्ल्ड कप के स्थगित होने के चलते इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL के आयोजन के दरवाजे खुल गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI को IPL 2020 के आयोजन के लिए अक्टूबर नवम्बर की विंडो मिल गई है। पूर्व दिल्ली के स्पोर्ट्स पर्सन का कहना है ये बहुत ठीक हुआ है कि कोरोना की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया, आज साल नहीं होंगे और लोगों को काफ़ी निराशा बहुत से लोगों को है, जो लोग बहुत क्रिकेट के खेला करते थे, अपने प्लेयर्स को देखने का शौक था,
लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कोरोना को लेकर जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक साबित हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, इन बच्चों को मोटिवेशन मिलता है जब ये उन मैचेस को देखते हैं, तो इनके अंदर जो एक मोटिवेशन पैदा होता है ना, उस पर कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। पर फिर भी हम लोग इसको लेके चल रहे हैं कि भाई कोरोना भी चल रहा है, COVID-19, उसको भी देखना है। और मतलब बच्चों के अंदर मतलब इस तरह का ना हो कि ये कहीं इससे ख़त्म कर दें अपने आप को क्रिकेट से। नहीं, मैच बंद नहीं होने चाहिए। आप स्टेडियम में, अब इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा है वेस्ट इंडीज़ के साथ, देखो 2 टेस्ट मैच हो गए और एक और बचा है, और वो कितने अच्छे ढंग से खिला रहे हैं। यस, मुझ पर बहुत फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, इसलिए अब जब से मैच बंद है तो हम देख नहीं पाते, इसलिए क्योंकि मैच देख के हमें अच्छा लगता है। बच्चों को बहुत फ़र्क पड़ेगा, बच्चों की जो एक्साइटमेंट होती है मैच खेलने से, जो मैच देखते हैं उनकी एक्साइटमेंट बढ़ती है, बच्चों पे बहुत फ़र्क पड़ता है। मतलब हम देखते हैं मैच तो हमें मोटिवेशन तो वहीं से मिलता है ना। बच्चों को मोटिवेशन इसी चीज़ से मिलती है, क्रिकेट का जुनून जो बच्चों के अंदर है, बहुत ज़्यादा स्किल्स है इस टाइम पे, और क्रिकेट आगे यानी फ्यूचर में बच्चों का मतलब स्पोर्ट बहुत है। जब से मैच बंद हुए हैं ना, हमारा तो दिल भी नहीं लग रहा, वरना अजीब सा लग रहा है। और दूसरी बात देख लो, ऐसे खेलने आए हम ग्राउंडों में, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा हमें। नेचुरल गेम है जो सारी दुनिया इसको पसंद करती है, और ख़ास करके हमारे हिंदुस्तान में जो हमारे छोटे बच्चे हैं इसको बहुत ही लाइक कर रहे हैं। तो इससे खेलने से तो हमारी फिटनेस बनी रहती है, और आगे आने वाले टाइम में बच्चे हमारे बहुत आगे निकल जाएंगे। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN10 को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।